वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। और आज का वीडियो शानदार गजब का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए साबित होगा जिनको लिवर की गर्मी निकालनी है, जिनके एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गए हैं, जिनका लिवर फैटी लिवर ग्रेड वन या ग्रेड टू या ग्रेड थ्री पर पहुंच गया है। आज आपको मैं ऐसे ही शानदार दो होम रेमेडीज बताऊंगा, बहुत ही आसान और अचूक, और एक आपको रेडीमेड फॉर्मूला बताऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए ताकि लिवर के अंदर गर्मी पैदा हो ही ना, जिंदगी में नहीं होगी अगर आज आपने मेरा कहना मान लिया। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर बात हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज भी स्किप कर दी तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात निकल गई। फटाफट से मुद्दे पे आता हूं कि अपने लिवर की गर्मी के लिए हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले खाने पीने की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल फूड की बात कर लेते हैं। जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, जितनी भी फ्रोजन फूड है, जितना भी फास्ट फूड है, जितना भी जंक फूड है, मोमोज, बर्गर, पिज्जा और ना जाने क्या क्या, ये सब चीजें जो है लिवर में गर्मी पैदा करेंगे ही करेंगे, श्योर शॉट। इसलिए अगर लिवर आपको लगता है कि लिवर में कुछ गड़बड़ी हो रही है या आप चाहते हैं कि कभी लिवर में तकलीफ आए ही ना, इनको अवॉइड कीजिए। नंबर टू, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, जूसेस, इवन बॉटल वाले जो डब्बे बंद जूसेस आते हैं, ये सारे के सारे लिवर की गर्मी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इससे अच्छा आप फ्रेश जूस लीजिए। आप जिस आप देखिए बाजार से 100-100 रुपए के, 150-150 रुपए के डब्बे लेके आते हैं, उससे अच्छा अगर आप 70 रुपए का, 60 रुपए का, 100 रुपए का ग्लास भी पी के आओगे ना, आपको वो एक लीटर का इतना काम नहीं करके देगा जो वो 300 ml 400 ml का जूस काम कर जाएगा, इतना जबरदस्त असर आएगा। इसलिए जूसेस, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब को जैसे ही बंद कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, आपके लिवर की गर्मी दूर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं खाने की। खाना जब भी बनाएं एल्युमिनियम के उस कंटेनर्स में नहीं बनाना, या तो स्टील के कंटेनर में बना लो, ठीक है, या फिर आप मिट्टी के बर्तन में बना लो। ये दो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आजकल तो माइक्रोवेव का भी जमाना है, माइक्रोवेव में प्लास्टिक में आइटम रखी और वो अंदर पूरा उबाला मारा उसको और उसी खाने को खा लिया। ये प्लास्टिक से, कांच से, कांच में भी कोई तकलीफ नहीं है वैसे, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, इस तरीके की जो लोहे के बर्तन में पहले बनाते थे, देखो मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे, कितना बेस्ट था। ठीक है, तो इन इन चीजों को अपनाइए। एल्युमिनियम को तो एकदम से छोड़ दीजिए, ये लिवर की गर्मी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, श्योर शॉट। चीनी खाना बंद कर दो, जो दानेदार चीनी केमिकल बेस्ड आती है ना, इसको छोड़ दो। क्या खाना है, गुड़ खा लीजिए, देसी खंड खा लीजिए, धागे वाली मिश्री खा लीजिए, शक्कर खाइए। ये तीन चार इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे और आपकी लिवर में गर्मी नहीं बढ़ने देंगे। नमक की बात कर लो, नमक, समुद्री नमक आप खाएंगे, लिवर की गर्मी बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर आप वो खाते हैं सेंधा नमक, कभी लिवर में गर्मी आएगी नहीं, श्योर शॉट, पक्की बात है। ये वो चीजें हैं जो लिवर की गर्मी को बढ़ाने का काम करती हैं। जाने अनजाने में हम इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लिवर में गर्मी आ जाती है, राइट। लिवर की गर्मी के कारण ही हमने एक, मैं अभी आपको फॉर्मूला ही बताता हूं, हमने एक प्रोडक्ट निकाला, हमें बाद में, बहुत बाद में पता चला, तकरीबन 3-4 महीने के बाद, कि ये क्या क्या कमाल करता है। लिवर की गर्मी को निकालने के लिए हमने निकाला लिवर वॉश, ठीक है, ये सोच के कि लिवर वॉश जो है लिवर की गर्मी को निकाल देगा। बड़े अच्छे से निकालना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद पता चला कि एक आदमी का एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ था, तकरीबन उसकी रेंज जो है 300-350 पार कर गई थी, ठीक है। 2 महीने पिया एसजीओटी एसजीपीटी, ठीक, फैटी लिवर जितने ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री में आए, इस कमाल के प्रोडक्ट ने, लिवर वॉश ने, वो भी ठीक कर दिया। 3 महीने पिया, 3 महीने के अंदर जो फैटी लिवर ग्रेड थ्री का था नॉर्मल पे आ गया। आपको एक फटाफट से एक शानदार नुस्खा बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। इसके साथ एक और चीज बताऊंगा, बहुत कमाल करेगी, लिवर की गर्मी यूं निकाल देगी, ठीक है। कैमरा थोड़ा करीब कीजिए और हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि ये शानदार दो चीजें कौन सी हैं जिससे लिवर की गर्मी को बाहर निकाला जा सकता है। पहली चीज है सूखा आलू बुखारा, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, बड़ा शानदार, मुंह में ना पानी आ रहा है इसको देख के, खाऊंगा मैं इसको वीडियो बनाने के बाद खाऊंगा। और दूसरा ये है इमली, सूखी इमली, इमली बाजार में इजीली मिल जाती है, ये सीडलेस है, ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए सीडलेस मिल जाए, बिना बीजों के मिल जाए। और एक मटकी मिट्टी की, आह
मिट्टी की खास बात पता क्या है, मिट्टी जो है ना ये इसकी तासीर होती है ठंडी। इसके अंदर अगर इसमें कुछ भी पकाओगे, कुछ भी बनाओगे, कुछ भी स्टोर करोगे, उसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। इसके अंदर दही जमा लो तो क्या कमाल करेगा, अभी बताता हूँ। दही वाला भी अभी एक सिस्टम बताता हूँ आपको, मजा आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये आपने बराबर मात्रा में ले लेने, सपोज ये दोनों ये 10 ग्राम हो गए, ठीक है, और तकरीबन 10 ग्राम के आसपास ये आइटम हो गई आपकी इमली, ठीक है। दोनों को बराबर मात्रा में ले लो आप, बराबर मात्रा में लेके आपने इसको मटकी में डाल लेना। अगर आपके पास ये मटकी नहीं है तो इसीलिए मैंने कांच का आपके लिए ये ग्लास रखा है कि कांच के ग्लास में भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टील या किसी और बर्तन में नहीं डालना, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस मटकी की, सेकंड में नहीं है तो कांच का गिलास चलेगा। और इतना पानी जो है ये आपने भिगो देना है इसको इस तरीके से, राइट। अब ये भीग गया और इसको रात को आप ढक के रख दीजिए, ठीक है। अब आपने ये ढक के रख दिया, सुबह उठ के मतलब 7-8 घंटे भीगा रहना चाहिए, 10 घंटे, सुबह उठ के आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना, ठीक है। चाहो तो मिक्सी में हल्का सा पंजाबी के अंदर घोटा है ना, एक घोटा सा मरवा दो एक, है ना, तो 2-4 राउंड मरवा दोगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और इसको निचोड़ के और इस पानी को आपने सुबह सुबह खाली पेट पीना है। चाहे तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, चाहे तो थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। और अगर आप गुड़ रात को भिगोना चाहें तब भी भिगो सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आप जैसे ही जिस दिन से इसको पिएंगे आपका लिवर आपको बोलेगा थैंक यू, ये गर्मी निकालने के लिए बेहतरीन दवा है, बेहतरीन फॉर्मूला है, है ना। और हाँ, लेकिन अगर किसी के SGOT SGPT बढ़े हैं या मान लीजिए फैटी लिवर है Grade 1, Grade 2, Grade 3 में, तो आप लिवर वॉश का इस्तेमाल कीजिए, इसमें लिवर की गर्मी निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन उसमें समय लगेगा SGOT SGPT को नॉर्मल आने में, इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, राइट। और ये आप सुबह कीजिए, हफ्ते में कम से कम 3-4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 2-3 दिन का गैप दीजिए, फिर से दोबारा कर सकते हैं, राइट। तो ये बड़ा जबरदस्त नुस्खा। इसके साथ आपको मैं मटकी के बारे में बता रहा था, मटकी में ना दही जमाओ, ठीक है, दिन में कभी भी आप ले सकते हो, दोपहर को ले लो, है ना, शाम को, रात को नहीं लेना, दोपहर को ले लो। मटकी में, इस मिट्टी की मटकी में दही जमा के और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच इसबगोल और थोड़ा सा गुड़, क्या बात है, गुड़ नहीं तो शक्कर डाल लो, मजा आ जाएगा, शक्कर जो गुड़ वाली शक्कर होती है ब्राउन कलर की, वाह क्या बात है, उसको आप खाइए, मतलब उसको खा डाला तो लाइफ जिंगा लाला वाली बात है कि आपने दो दो चीजें ले रहे हैं ना, लिवर हर वक्त आपको थैंक यू बोलेगा कि क्या क्या चीजें भेज रहे हैं। और आप कुछ दिनों बाद महसूस करोगे कि जो जो सिम्टम्स आ रहे थे ना लिवर की गर्मी की वजह से गायब हो गए, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इफेक्टिव है, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सबका भला हो, सबका फायदा हो, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। God bless you, everyone.